आदाब, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपके साथ आकिब आफ्ताब। एक ऑर्डर जो है एक्सियन ने, पीडब्ल्यूडी के एक्सियन ने एससीएम गुंडों को लिखा, और उस लेटर में क्या लिखा वो मैं आपके साथ पढ़ता हूं। शायद इलीगल माइनिंग माफियाज को यह सुनकर बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, लेकिन अब उनकी तिजोरियां बंद, क्योंकि अब विभाग जो है वो जाग चुका है। और वो लिखते हैं कि इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज ट्रीटेड एज इलीगल कन्वर्जन केसेस अंडर सेक्शन 23C ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट MMDR 1957। अगर बात करें इसकी तो ये इंजीनियर मुश्ताक अहमद शेख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD एंड RNB सब डिवीजन गुंडों ने निकाला है, लिखा है किसके लिए, SDM गुंडों के लिए, कि वो अब कड़ी से कड़ी जो है निगरानी और एक्शन इन पर उठाए। ये इलीगल माइनिंग माफियाज जो हैं, ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो शायद गवर्नमेंट से नहीं डरते, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं रातों रात करोड़पति बन जाएं, लेकिन इनको शायद मालूम नहीं इनकी इलीगल एक्टिविटीज की वजह से कितना ज्यादा नुकसान जो है एनवायरमेंट को होता है। अगर हम बात करें दरियाओं की, नालाज की, तो ये वहां जाकर रात के अंधेरे में चोरी छुपे, कितनी शर्म की बात है, रात के अंधेरे में चोरी छुपे बजड़ी और रेत वहां से निकालते हैं, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ये तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा होकर एक साफ तौर पर चुनौती है सरकार को कि हमने तो ये काम करना है, आपसे जो बन पड़े आप करें। लेकिन एक्सियन साहब ने वो चीज करके दिखाई, उन्होंने ये कहा कि अब गुंडों के जो SDM हैं वो खुद कार्रवाई करेंगे, और बहुत सारी एक्टिविटीज में बहुत सारे लोग मुलविस पाए गए हैं। इलीगल माइनिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन होती है, पानी जो है गंदा हो जाता है, हवा जो है वो गंदी हो जाती है, आखिरकार अपने फायदे के चक्कर में, अपने मुफाद के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में कितना ज्यादा नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है एनवायरनमेंट को, ये शायद वो लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन हम सलाम करते हैं हमारे एक्सियन साहब को कि उन्होंने ये कदम उठाया और इस कदम को उन्होंने SDM गुंडों के साथ शेयर किया। तो आपको क्या लगता है कि यही कदम जो है हमारे किश्तवाड़ में भी होना चाहिए था, उठाना चाहिए था या नहीं? क्या आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर भी ये कदम जो है उठाना चाहिए? और ये जो इलीगल माइनिंग माफियाज के मालिक बने हुए हैं, सरप्रस्ता बने हुए हैं, इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अगर आपके पास माइनिंग का लाइसेंस नहीं है तो आप माइनिंग नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े रहकर ये काम कर सकते हैं, तो अब वो जमाने चले गए और हवा गुल बत्ती गुल का मौसम आ चुका है, अब विभाग जाग चुका है, और अब आपको बिल्कुल भी इन एक्टिविटीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह साफ तौर पर चुनौती है इलीगल माइनिंग माफियाज की, चाहे वो जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में हो। तो आपको लगता नहीं है कि वातावरण को बचाने के साथ साथ डैम्स को बचाना भी बहुत जरूरी है? अगर डैम्स को कोई नुकसान होता है, पानी जो है वो कहां जाएगा? अगर डैम बनाई गई है, हजारों करोड़ों लाखों लीटरों के हिसाब से पानी जो है रुका हुआ है, अगर जरा सा नुकसान हो जाए तो आप ये सोचिए उस डैम के आगे जो शहर होगा, जो गांव होगा, जो कस्बा होगा, उसको कितना ज्यादा नुकसान है, पानी के अंदर जो जिंदगी इस वक्त है उसको कितना ज्यादा नुकसान है। आखिरकार ये इंसानियत जो है कहां पर है? इंसानियत दम तोड़ चुकी है। इलीगल माइनिंग माफियाज जो है चाहते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना, लेकिन अब ऐसा शायद उनके नसीब में ना हो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को खबर हो चुकी है, भनक हो चुकी है, अब आप इलीगल माइनिंग जो है नहीं कर सकते। अगर आपने इलीगल माइनिंग करने की कोशिश भी की, अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और SDM गुंडो छोड़ेंगे नहीं। ये इस लेटर में साफ साफ लिखा गया है। ये लेटर जो है कश्मीर क्राउन के पेज पर आप देख रहे हैं। आपके इलाके में भी अगर इलीगल माइनिंग हो रही है तो आप खुसूसी तौर पर इस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि अगर आपका एनवायरनमेंट और वातावरण खराब हो गया, उसकी वजह से नफा और नुकसान सिर्फ एक्वेटिक लाइफ को नहीं बल्कि पूरी एनवायरनमेंट को, पूरे हमारे जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं उन पर पड़ सकता है। तो आप गुंडो बलहेस में तो ये एक्शन होने ही वाला है, अब कब SDM एक्शन लेंगे ये देखने की बात रहेगी। लेकिन हम सैल्यूट करते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, PWD RNB के, जिन्होंने ये कदम उठाया और ये लेटर जो है उन्होंने SDM गुंडों के लिए लिखा। हम इस पर उनको मुबारकबाद देते हैं कि ये एक्शन जो है इलीगल माइनिंग माफियाज के लिए उठाया गया है। अब आने वाले समय में क्या आपको नदी और नालों के किनारे ये ट्रक, ये JCB, ये घोड़े पे लदी हुई रेत और ये बजड़ी देखने को मिलेगी या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल जो है खड़ा करता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और उन चोरों के लिए जो रात के अंधेरे में रेत और बजड़ी जो है वो नाले और रिवर से उठाते हैं।